बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोस की ख़बर है। मकसूद अहमद जट, जो ननकाना साहब में थे और उनका गांव है 33 धारों वाली, गुज़िश्ता रात उनको, वो अपने खेतों में पानी लगा रहे थे, उनको वहां पे नामालूम अफराद ने, पानी लगा के वापस आ रहे थे घर की तरफ, उनको नामालूम अफराद ने गोलियाँ मार के शहीद कर दिया है। बज़ाहिर उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, काफ़ी अरसे से वो इंग्लैंड में मुकीम थे, 6 माह कबल ही वो इंग्लैंड से आए थे। उनके लवाकिन में उनकी बेवा हैं, उनके वालदैन हैं और उनके 4 मासूम बच्चे हैं। मकसूद अहमद भट्ट जो से हैं, उनको मकसूद फौजी के नाम से भी उनको लोग जानते थे। और ये एक नज़र आता है कि ये सिर्फ दुश्मनी अहमदी होने की दुश्मनी थी, क्योंकि जो 3 साल से अहमदियों के ख़िलाफ़ इस हुकूमत ने जो एक नफ़रत पैदा की हुई है, ख़ास तौर पे पंजाब के इलाके के अंदर। अब गुज़श्ता चंद माह से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही बाकायदा इसके अंदर सरगर्म है, अपने लोगों के थ्रू, अपने MNAs के थ्रू जमात अहमदी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ वाक़ियात में शामिल है। और ये भी एक नफ़रत का इजहार था कि अहमदियों को माली जानी हर तरह का नुकसान दिया जाए, और उसका ही ये सबूत है। हम अपील तो खुदा ताला से ही होती है, लेकिन एक दुनिया के तौर पे एक इस हुकूमत को, इमरान ख़ान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को भी कहता हूँ, तुम जो रियासत मदीना का नाम लेते हो और तुम कहते हो कि सबके लिए इंसाफ होगा, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कि तुम कैसा इंसाफ देते हो। ये तो ब्रिटिश सिटीज़न है, वो तो जो कार्रवाई करेंगे जो करेंगे, तुम कम से कम इंसाफ दो, तुमने भी मरना है, खुदा को मुंह दिखाना है। और ये कभी भी जो सैन है, ये जो खून है, ये रायगा कभी नहीं जाएगा, ये शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। तुम जितनी मर्जी नफरतें फैला लो, जाने ले लो, लेकिन जमात अहमदिया को तुम कभी भी नहीं रोक सकते। नहायत अफसोस के साथ मैं उनके घर वालों के साथ भी अफसोस करता हूँ, अपने इदारे की तरफ से भी तमाम अहमदियों के साथ भी अफसोस करता हूँ कि ये तकलीफ़ का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ दुआ में गुजारा जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।